आने वाले कुछ सालों में हमें रात के समय आसमान दिखना बंद हो जाएगा। इसका कारण है लाइट पॉल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस की ओर से की गई रिसर्च में बताया गया है कि पिछले एक दशक में आसमान की चमक में 10% कमी आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती को जगमग रोशन करने वाली मानव निर्मित रोशनी के चलते आसमान की चमक फीकी पड़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर बढ़ते लाइट पॉल्यूशन के चलते हमारी आंखों और वायुमंडल की रोशनी का बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमारी नज़र में आसमान धुंधला दिखाई देता है। यही वजह है कि रात को अब कम तारे दिखाई देते हैं। पहला ये कि वैश्विक स्तर पर रात के समय आसमान की चमक फीकी पड़ने पर पहली बार स्टडी की जा रही है, और दूसरा ये कि दुनिया भर के देशों में रात की रोशनी को कम करने के लिए तय नियम और मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कीबा के अनुसार हाल ही के दशकों में आर्टिफिशियल लाइट के चलते पर्यावरण पर काफी ज्यादा असर हुआ है और इस पर स्टडी की जा रही है। दुनिया भर के सिटीजन साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है। इसके बाद लाइट पॉल्यूशन की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार 10 सालों में आसमान की चमक 10% कम पड़ी है। जर्मन रिसर्च सेंटर के भौतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर कीबा ने इस स्टडी को दो तरह से अहम बताया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती को जगमग रोशन करने वाली मानव निर्मित रोशनी के चलते आसमान की चमक फीकी पड़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर बढ़ते लाइट पॉल्यूशन के चलते हमारी आंखों और वायुमंडल की रोशनी का बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमारी नज़र में आसमान धुंधला दिखाई देता है। यही वजह है कि रात को अब कम तारे दिखाई देते हैं। लाइट पॉल्यूशन का असर इंसानों और जानवरों के जीवन चक्र पर भी हो रहा है। जुगनुओं की प्रजाति खत्म होती जा रही है, वहीं जानवरों के संचार का तरीका भी बदलता जा रहा है। पूरी दुनिया में इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि हम अपना आसमान देख सकें। धरती को बहुत ज्यादा जगमग कर देना विकास नहीं बल्कि प्रदूषण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइट पॉल्यूशन कम करने के लिए रोशनी देने वाले यंत्रों की दिशा, मात्रा और प्रकार का सुधार होना चाहिए।